तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाथ में याद नहीं आ रहा है, याद तो नहीं होगा, डेफिनेटली याद नहीं होगा, क्योंकि आपको जब मोनोलॉग मिलता है, यहाँ पे एक मोनोलॉग है, आप तुरंत मोनोलॉग याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? आप उसको रटने लगते हैं, आप उसके पीछे का कार्य कारण जो भी होता है कि मोनोलॉग कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले जरूरी क्या है, आज हम बात करेंगे कि एक मोनोलॉग को हम कैसे याद करें और उसको कैसे परफॉर्म करें। तो मैं सोम आपके साथ और आप देख रहे हैं ब्रेड बटर टोस्ट मेरे साथ, एक्टर एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आज मेरे पास एक मोनोलॉग है और जो मोनोलॉग मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, तो वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। तो ये मोनोलॉग है कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, कैसे लड़ोगे उससे, तुम्हें क्या लगता है एक तमंचा लेकर चार गंजेड़ी दोस्तों के साथ उसका मुकाबला करोगे? करोगे के बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। वो आदमी मेरा भी बाप था, पर तुम्हारी तरह मैं तमंचा लेकर नहीं घूम रहा। हमारी हालत क्या है पता है तुम्हें, और उसकी ताकत का भी कोई अंदाजा नहीं है तुम्हें। वो तुम लोगों को मारकर किसी नाले में फेंक देगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम घर पर बैठो, हमें नहीं चाहिए मारकाट। ठीक है, हमारे पिताजी को मारा है उसने, अभी वक्त बदलने का इंतजार करो। अभी उसके पास पावर है, बच निकलने के रास्ते हैं। पूरे गांव में उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। हम बदला लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन सही समय आने पर। तो ये है पूरा मोनोलॉग। सबसे जरूरी है जैसे आपको मोनोलॉग मिलता है, अगर आपके पास, आप अगर ये ऑडिशन कहीं पे दे नहीं रहे, अगर आपको कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई डायरेक्टर आपको ऑडिशन के लिए देता है मोनोलॉग, तो पहले आप उनसे पूछ लीजिए कि इसका ब्रीफ दे दीजिए। तो ब्रीफ वो दे देंगे तो आपको बता देंगे कि ये एक भाई दूसरे भाई से कह रहा है। अगर आप ये मोनोलॉग को ठीक से पढ़ते हैं तो इसके अंदर है कि वो मेरा भी बाप था, है ना, तो वो मेरा भी बाप था, मैं तमंचा लेकर हाथ में लेकर घूम नहीं रहा हूं, लेकिन वो तेरा बाप था तो मेरा भी बाप था। तो इसको पढ़ते ही आपको बहुत कुछ समझ आ जाता है, लेकिन आप अगर ब्रीफ के लिए पूछते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर को कि बता दीजिए क्या है, तो वो आपको ब्रीफ दे देंगे। लेकिन ये बात है कि आप जो लोग घर पर बैठ के देख रहे हैं, ऑडिशन देने की कोशिश कर रहे हैं, ऑडिशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब ये पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सिचुएशन क्या है, इसमें क्या क्या रिलेशन में क्या हो रहा है एक्चुअली। इसका अगर मेन मुद्दा मैं कहूँ, इसमें क्या हो रहा है, एक भाई जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को समझा रहा है, क्योंकि उनके पापा को किसी ने मार दिया है। तो देखो अभी किसने मारा है, वहाँ पर लिखा है कि वो आदमी बहुत पावरफुल है, तुम्हें भी मार के कहीं नाली में फेंक देगा। तो जिसने मारा है वो बहुत पावरफुल इंसान है, तो वो इंसान कौन है, इसके पापा को क्यों मारा, तो इसका एक बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट करना है कि ये जो बता रहा है यहाँ पे, बताना होता है कि आप भाई हो या फिर आप बहन हो, आप कौन हो, है ना, आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, आप अपने भाई को क्यों समझा रहे हैं। तमंचा यहाँ पे जो शब्द है वो सबसे जरूरी है कि ये शब्द कौन सी जगह का है, क्योंकि बंगाल में तो कोई तमंचा नहीं बोलता है, या फिर महाराष्ट्र में कोई तमंचा नहीं बोलता है। तमंचा या कट्टा ये बंदूक होता है, तो आपको वो वर्ड सर्च करना है, जो वर्ड आपको पता नहीं है कि ये कौन सी वर्ड है, तो आप उसको सर्च करो, आपको पता चल गया ना अभी ये यूपी का है, तो इसका टोन जो है, बोलने का तरीका है, वो यूपी का होगा। अब ये अगर सब कुछ हम छोड़ भी देते तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक एक्टर होने के नाते आप अगर बिलीव करते हैं तो आपका ऑडियंस भी बिलीव करेगा। जैसे यहाँ पे आप देखो कि मैंने इसी का 5 वेरिएशन में मैंने बनाया, तो ये आप जाके देख सकते हैं कि मैंने एक बड़े भाई के नाते एक छोटे भाई को समझाया, और 5 अलग अलग तरीके से, अलग अलग इमोशन कहा जा सकता है, अलग अलग मूड कहा जा सकता है, इमोशन तो मैं नहीं कहूँगा, उसके हिसाब से मैंने समझाया है। लेकिन इसमें जो सबसे मेन मुद्दा है वो है एक भाई दूसरे भाई को समझा रहा है, तो उसमें केयर बहुत ज़्यादा है, ये पूरे में केयर बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही हमें सबसे पहले मिलेगा, हमें ये लाइन बहुत ऐसा लगता है कि तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, कैसे मारोगे उसको, हाथ में एक तमंचा लेकर 4 गंजीरी दोस्तों के साथ उसको मारोगे,
तो हम बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन चिल्ला के कभी समझाना नहीं होता होता। तो आप किसी को समझा रहे, हमेशा पोलाइटली समझाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को YouTube के जरिए इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं भी आप लोगों को बहुत ही पोलाइटली बताता हूँ ना कि ऐसे होता है, वैसे होता है। मैं चिल्ला के बताता हूँ, ये समझिए, वो समझिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, मेरा इंस्टा आईडी सोम दिस साइड, वहां पे जाकर लाइक कीजिए। मैं कभी ऐसे नहीं बताता हूँ, तो मैं बहुत पोलाइटली बताता हूँ। हाँ, उसके अंदर एक डर भी है कि उसका भाई मर ना जाए। उसके अंदर बहुत ज्यादा डर है कि उसके भाई को भी ना मार दे, उसके पापा को तो मारा है। तो अभी आपको ये सब कुछ बिलीव करने के लिए आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट करना है। ये जो भाई भाई का रिश्ता है, तो ये भाई कौन है, दूसरा भाई कैसे इसको पता चला, इस भाई को कहानी के अंदर आ गया कि वो छोटे भाई को क्यों डांट रहा है, किस वक्त डांट रहा है। तो बैकग्राउंड स्टोरी जितना स्ट्रांग होगा आपका, आपको पता होगा कि आपके पापा को किसने मारा है, जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, या बड़े भाई का या बड़ी बहन, जो भी आप सोचते हैं, तो क्यों मारा है, किसने मारा है, और वो इतना पावरफुल क्यों है। और अभी आप लोगों के जो यह कहते हैं कि हमारे हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है, अभी अपने हालात देखिए तुमने, ये सब जो बातें कहते, तो अभी का हालत क्या है, और उसके बाद भाई को समझाना कि ठीक है, हमारे पापा को मारा है ना, हम बदला लेंगे, लेकिन सही समय का इंतजार करो। अभी उसके पास पावर है, ठीक है, तो उसके पास क्या पैसा है, पावर है, ये कौन सी जगह की घटना है, यूपी में अगर घट रहा है तो शहर में घट रहा है, या फिर कोई गांव में घट रहा है, किस तरीके के लोग हैं वो, है ना, कितना एग्रेसिव है। तो आपका हर कैरेक्टर, आपको सब कुछ वहीं से मिल जाएगा। आप अगर बहुत ही पोलाइटली उससे बात कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़े होता है ना जमींदार, जो वो मान लो कि आप मिर्ज़ापुर में कालीन भैया, तो उनके तरीके के अगर यूपी के लोग होंगे अलग होगा, लेकिन अगर बहुत ही रूरल एकदम गांव वाले, अरे तू काहे नहीं समझते, तो वो बहुत ही लाइटली ऐसे बात करते हैं, वो चिल्ला विल्ला के बात करते हैं, अरे तुमको कितनी बार समझाया है, तुम ऐसे नहीं कर सकते, एक तमंचा लेकर तुम मार दोगे चार लोगों को, क्या समझते हो तुम। अब हो सकता है किसका औधा बहुत हो कि वो भी ऐसे कहता है कि एक तमंचा लेकर चार लोगों को मार दोगे, क्या समझते हो। हाँ, तो इनका बोलने का तरीका अलग हो जाता है, लेकिन ये जो आप सबसे पहले ढूंढते ना कि इमोशन में बोलेंगे, इमोशन पहले गुस्सा होकर बोलेंगे फिर हंस के बोलेंगे, वो गलत है। आप अगर बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट करते हैं, तो बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बैक स्टोरी होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। आपके सामने जो आपका भाई है, आप कौन है, सिर्फ डायलॉग बोलना डट के वो कभी एक्टिंग नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो थॉट्स हैं, वो अगर आप खुद बिलीव करते हैं कि हाँ मैं ये कैरेक्टर हूँ और मेरे साथ ये हुआ है, मेरे पापा को किसी ने मारा है, मेरा भाई है, हालांकि मेरी ज़िंदगी में, मेरे लाइफ में मेरे पापा को किसी ने नहीं मारा, और मेरा भाई भी नहीं है, और ऐसा कोई है भी नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं है किसी का, लेकिन मैं जो हूँ सोम, मेरा एक बैकग्राउंड स्टोरी है। तो आप इंडिविजुअली वहाँ पर जो बैठे हैं, आपका एक बैकग्राउंड स्टोरी है लाइफ का, तो इसके ज़रिए आप एक पूरी बहुत बड़ी मतलब एक नॉवल लिख सकते हैं, एक कहानी लिख सकते हैं, और उसका हिस्सा ये होगा, तो आप कभी भूलेंगे नहीं, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ओके, सो फर्स्ट बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट करें। इसी तरीके से आप बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट करते हैं कि ये कौन है, इसके अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, सारे चीज़ को क्रिएट कीजिए, कि इसका जो भाई है वो, उसके साथ इसका रिलेशन क्या है, इसका भाई कैसा है, मतलब उसके जो चार, अब देखती वहाँ पता चल जाता है हमें कि चार गंजेरी दोस्तों के साथ वो घूमता है, मतलब खुद भी बहुत ही नशा वशा करता होगा, इस तरीके का है, तो उसको समझाना, उसको समझाने का तरीका क्या होगा। अगर हम ये सब चीज़ें समझ जाते हैं, तो हम सही इमोशन पे पहुंच सकते हैं, नहीं तो फिर हम पहले सोचते रहेंगे कि चिल्ला के बोलो, थोड़ा गुस्सा करो, एक लाइन पे थोड़ा प्यार दिखा दो, तुम रह जाओ घर पे, तुम मत जाओ, उसने हमारे पापा को भी मारा है भाई, तो हम बहुत ही ऐसे फेक इमोशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसमें इमोशन, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमेशा मिक्स्ड इमोशन होता है, पापा के मरने का गम है इसमें, भाई के लिए बहुत ज़्यादा केयर है, और उस आदमी को मारने का, पापा को मारा है ना, उस आदमी को मारने का एक जुनून भी अंदर कि उसको मार के छोड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत केयरिंग लेके भाई को समझा रहा है। तो अभी देखो, आप अगर सोचोगे कि बहुत सारे इमोशन है, उसके अंदर केयरिंग कहाँ है, लेकिन ये पूरी चीज़ में केयरिंग है, बताने का तरीका। मैं जितना आपसे बात कर रहा हूँ शुरू से लेकर अभी तक, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ जैसा कि मैंने पहले कहा। ओके, सो बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट कीजिए, और ये मोनोलॉग को याद कीजिए, और मेरा इंस्टा आईडी है सोम दिस साइड, तो वहाँ पे आप मोनोलॉग को याद करें और अच्छे से बोलें, जैसे आपका कैमरा जो है, मैं जैसे आप लोगों से बात करता हूँ, कौन कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है बहुत लोग हैं उस तरफ, तो
तो आप लोग भी उसी तरीके से कैमरा को अपना दोस्त मान लीजिए, मतलब भाई मान लीजिए कैरेक्टर के हिसाब से, लेकिन कैमरा से दोस्ती होनी चाहिए, है ना, तो वो कैमरा फ्रेंडली हो जाते हैं। तो आप वैसे रिकॉर्ड कीजिए और सोम दिस साइड मेरा इंस्टा आईडी है, वहाँ जाके मुझे टैग कीजिए, या फिर हमारा एक फेसबुक का ग्रुप है ब्रेड बटर टोस्ट का, वहाँ पर भी आप टैग कर सकते हैं और कमेंट करके जाना आपको कैसा लगा ये एपिसोड, और एक लाइक तो बनता ही है। मिलते बहुत जल्द, टेक केयर, बाय, स्टे सेफ।